हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द मैथमेटिकल फिजिक्स सीरीज़ हम लोगों ने फुल इंटीग्रल का जो एक्सप्रेशन है उसको डिराइव कर लिया था समथिंग लाइक दिस ओके गिवन अ फंक्शन एफ टी लेकिन एफ टी को हमने थोड़ा क्लियर नोटेशन के लिए एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया था ओके okay? तो आप एफ एक्स को इस तरह के एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करें यूटी पर आइटा ओमेगा एक्स माइनस ये डिफरेंस साइन मैंने लगाया एक्स माइनस टी भी हो सकता है या टी माइनस एक्स भी हो सकता है ओके okay? दिस तो और एक इंटीग्रल करें ओवर एक्स और फिर जो एक्सप्रेशन ऑफटेन हो इस इंटीग्रल को करके ओके okay, जो बेसिकली एक फंक्शन ऑफ ओमेगा होगा ओके okay, ओमेगा और टी पे डिपेंड होगा ओके okay, तो उस क्वांटिटी uh, को फिर आप ओमेगा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो फाइनली यू रिकवर योर एफ टी ओके तो ये, ये था फुरिया इंटीग्रल लेकिन अब इस फुरिया इंटीग्रल में जो हमें एक एडवांटेज था ओके okay, ये इंटीग्रल केवल एक्स के ऊपर है तो मैं इसमें जो ये आइटा ओमेगा टी फैक्टर है मैं इसे इंटीग्रल से बाहर ले सकता हूँ ओके यस तो यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है वी कैन टॉक अबाउट द फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है फूरियर ट्रांसफॉर्म अभी मैंने इस एक्सप्रेशन को केवल रीराइट किया है ओके वन पॉइंट टू पाई डी ओमेगा का इंटीग्रल उस, उसके साथ ये फैक्टर आ गया इार से माइनस आइटा ओमेगा टी यहाँ से ओके okay? अभी आप इसके पहले साइन पे कंसिडर किए माइनस ओमेगा का और जो दूसरा एक्सपोनेंशियल फैक्टर है इट इज बार प्लस आइटा ओमेगा एक्स वो अंदर है बट रिमेंबर इन दोनों टर्म्स का रिलेटिव साइन अपोजिट होना चाहिए कोई सा भी प्लस कोई सा भी माइनस हो सकता है तो इनफैक्ट मैं इस वाले को माइनस और तब मैं इस वाले को प्लस भी ले सकता था ओके ये यही वो एम्बिक्यूटी है जो मैंने आपको बताई थी कि फुरिये ट्रांसफॉर्म अलग अलग कन्वेंशनस है एम्बीग्यूटी भी नहीं है कन्वेंशन लोग अलग अलग यूज करते हैं ओके बाद में हम एक को फिक्स कर देंगे कि हम इस तरह से वर्क करेंगे बट दोनों चॉइसिस हमारे पास रहती हैं बट नाउ दिस सेम एक्सप्रेशन फुरिये इंटीग्रल का जो एक्सप्रेशन है दैट लुक्स लाइक दैस ओकेट टी डिपेंडेंट पार्ट को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया टी और ओमेगा डिपेंडेंट पार्ट और एक्स डिपेंडेंट क्वान्टिटीज़ यहाँ हैं इस इंटीग्रेशन के अंदर बट अगर इसको मैथमेटिकली देखें जो फर्स्ट इंटीग्रल है फर्स्ट इंटीग्रल में आपको फंक्शन एक है एक्स स्पेस में आपने डिफाइन कर रखा है आप एक्स स्पेस से स्टार्ट कर रहे हैं ओके okay? और एक डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल करके एक्स तो खत्म हो जाएगा आपके पास सर्वाइव करेगा ओमेगा सो यू आर गोइंग फ्रॉम एक्स स्पेस टू ओमेगा स्पेस ओके और एक्स स्पेस से ओमेगा स्पेस में जाने की प्रोसेस भी एक्चुअली ये तो एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है जब हमने लापलास ट्रांसफॉर्म डिस्कस करना शुरू किया था तो उसी लेक्चर में मैंने थोड़ा सी बताया था कि जनरली इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का सेंस क्या होता है से आप एक्स स्पेस में ही हो सकता है हम स्टार्टिंग स्पेस को एक्स स्पेस ना क्या क्या, क्या आप टी स्पेस या वट कहें बट लेट्स इस समय हम एक्स स्पेस ही कहें तो आपके पास एक्स स्पेस में कोई फंक्शन है एफ एक्स तो आपने उसे मल्टीप्लाई किया सम कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो कि एक्स और उसके अलावा किस उसमें एक और वेरिएबल प्रेजेंट है से वो एक्स और ओमेगा का फंक्शन है एक्स ओमेगा और आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो अब जो आपको चीज़ ऑप्टेन होगी एक्स तो इंटीग्रेशन के बाद खत्म हो जाएगा जो चीज़ सर्वाइव करेगी वो होगी फंक्शन ओमेगा का अब मैं इस समय अलग सिंबल यूज़ नहीं कर रहा हूँ खासकर मैंने आपको बताया अभी फूरियर ट्रांसफॉर्म में तो ओरिजिनल फंक्शन एक्स स्पेस में जो फंक्शन है और ओमेगा स्पेस में जो नया फंक्शन ऑप्टेन होता है दोनों के लिए सेम सिंबल ही यूज़ किया जाता है तो इसको एफ ऑफ ओमेगा ज़्यादा से ज़्यादा इनिशियल स्टेज में डिस्टिंगशन के लिए मैं ये सिम्बल यूज़ कर सकता हूँ ब्लू पेन से एक अलग से टिल्डा कि एफ़ ओरिजिनल फंक्शन है लेकिन अदरवाइज़ मैं आपको बता रहा हूँ बुक्स में तो आपको यूजेज इस तरह का भी मिल जाएगा दोनों फंक्शंस को एफ ही लिखा होगा ओरिजिनल फंक्शन और उसका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म करके जो फंक्शन मिलता है दोनों का सेम नेम बस इस ये किसका फंक्शन है ये एक्स का है ये ओमेगा का इसी से आपको पता लग जाता है अच्छा ये आप एक्स स्पेस वाले इस फंक्शन की बात कर रहे हैं एफ जब आप एक्स स्पेस में हैं देर इज सम एफ एकस, और जब आप ओमेगा स्पेस में हैं एफ ओमेगा ये दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं इनफैक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ने हमें इनके लिए अलग अलग सिंबल यूज़ किए थे हो सकता है कोई बुक या इवन आप लोग भी इनके लिए अलग अलग सिंबल इस्तेमाल करना चाहें पॉसिबली इसके लिए कैपिटल एफ या समथिंग लाइक दिस बट मैं यही सिंबल यूज़ करूँगा सेम सिंबल ऑफ दिस तो ये जो पहला स्टेप है यहाँ डबल इंटीग्रल है लेकिन हम केवल इसके इस पार्ट पर कंसनट्रेट करें तो ये ये तो एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है ये फर्स्ट जो इंटीग्रल है ये सिंपली एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है फ्रॉम एक्स स्पेस टू ओमेगा और अब अब अगर हम केवल इस इंटीग्रल पे फोकस कर रहे हैं तो ये इंटीग्रेशन का जो डमी वेरिएबल है इवन इसे एक्स की जगह आप टी से भी रिप्लेस कर सकते हैं इसको टी लिखो टी लिखो टी लिखो ओके थिंक okay? बाद में बल्कि हम ऐसा ही करेंगे बट अभी हम क्लैरिटी के लिए रख रहे हैं ओके okay? लेकिन बाद में ये एक्स को मैं टी भी लिख सकता हूँ तो हम बेसिकली फर्स्ट स्टेप में एक्स स्पेस या टी स्पेस से ओमेगा स्पेस में जंप कर रहे हैं जंप करने का मेरा मतलब है एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ये अपने आप में एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है ये इस तरह का ही तो है यहाँ एक कर्नल ऑफ़ ट्रांसफॉर्मेशन की जगह जो फंक्शन है वो ये है से हम प्लस वाला साइन ले रहे हैं पर आइटा ओमेगा एक्स इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ये कॉन्स्टेंट भी है हमारे पास तो ये कॉन्स्टेंट मैं पूरा का पूरा इस इंटीग्रल के साथ भी ले सकता हूँ या ये कांस्टेंट मैं इस इंटीग्रल के साथ ले सकता हूं ओके okay? या इस वन अपॉन टू पाई को हम इन दोनों में शेयर भी कर सकते हैं शेयर मतलब इसको वन अपऑन रूट टू पाई इन टू वन अपॉन रूट टू पाई तो वो अगेन वो कन्वेंशन है बट मोर और लेस ये क्लियर है अपार वो कॉन्स्टेंट कितना भी हम लें इस इंटीग्रल के साथ ये इंटीग्रल बेसिकली एक्स स्पेस से ओमेगा स्पेस में जो हम जाने की बात कर रहे हैं ये एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है तो अच्छा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म पे फिर से लौटेंगे अब ये जो चीज़ है कुल मिला ये चीज जब आप ऑप्टेन कर लेंगे ये होगी सम फंक्शन ऑफ ओमेगा तो अभी सेकेंड इंटीग्रल को देखिए अपार्ट फ्रॉम सम कॉन्स्टेंट इसका स्ट्रक्चर इस भी ऐसा है माइनस टू इंफिनिटी का इंटीग्रल है डी ओमेगा है माना मैं पहला वाला साइन ले रहा हूँ माइनस आई टमेगा और यहाँ से आपको जो चीज़ मिली है सम फंक्शन ठीक है चाहे तो वैसे तो मैं उसे एफ से ही रिप्रेजेंट करता पर चलिए थोड़ी देर के लिए मैं एक अलग सिंबल जी यूज कर लेता हूँ उसके लिए जी किसका फंक्शन है ओमेगा का अरे इसका स्ट्रक्चर भी तो इसी तरीके का है फंक्शन कर्नल फंक्शन कर्नल यस ये भी एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ही है तो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर दो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है आपने एक्स स्पेस से स्टार्ट किया या एक्स अब आप टी स्पेस सोचिए मैं बहुत इजीली इसको एक्स की जगह इस इस इंटीग्रल के अंदर हर किसी को टी लिख सकता हूँ टी 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 तो टी स्पेस से हम गए ओमेगा स्पेस में और सेकंड स्टेप में ये जो सेकंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है ये वापस मुझे टी स्पेस से फिर सॉरी ओमेगा स्पेस से फिर से कहाँ ले आया टी स्पेस में फर्स्ट इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म दूसरा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म में याद कीजिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं बट वहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता है बट इनवर्स वाला जो ऑपरेशन था उसके लिए हमारे पास कोई इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन नहीं था लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हमने एल से रिप्रेजेंट किया था आप जाते हैं किसी ओरिजिनल स्पेस से दूसरे स्पेस में ओके फिर आप इनवर्स ऑपरेशन की मदद से यहाँ पा जाते लेकिन उसमें ये वाला ऑपरेशन तो एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म था लेकिन ये वाला इंटीग्रल एटलीस्ट हमने तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में नहीं पढ़ा ओके जस्ट हमने एक्सप्रेशन याद कर लिए थे कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है तो इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये दो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है ये तो इस्टेब्लिश हो गया लेकिन ये दोनों इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एक दूसरे के इन्वर्स भी हैं इन्वर्स किस सेंस में आपने जिस फंक्शन से स्टार्ट किया एफ से और आप इसे एक्स के बजाय टी का अवेलेबल माने तो आपने एफ टी से स्टार्ट किया उस पर एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑपरेट किया फिर जो मिला उस पर एक दूसरा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑपरेट किया उसका ऑप्टेन किया तो आपको फिर से वही फंक्शन मिल गया तो यही है हमारे फुरिय और इनवर्स फुरिय ट्रांसफॉर्म ये जो जी जो हम इसको अपने आप में एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म देख रहे हैं जो कि ये है इसे ही हम डिफाइन करेंगे ये हमारा है आप इसे चाहे तो फॉरवर्ड फ्रिए ट्रांसफॉर्म भी कह सकते हैं फॉरवर्ड मतलब मैं नाम इसलिए लगा रहा हूँ तब ये दूसरा वाला हमको हम कहेंगे इनवर्स फुरिय ट्रांसफॉर्म वैसे फॉरवर्ड शब्द इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है सिंपली हम कहते हैं फुरिय ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फुरियर ट्रांसफॉर्म तो स्टार्टिंग फ्रॉम अ फंक्शन विच इज डिफाइंड इन द टी स्पेस अब मैं एक्स को चलो छोड़ी देता हूँ ठीक है आप यहाँ पे सोचिए मेंटली ये टी 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 ये तीन जगह टी है स्टार्टिंग फ्रॉम अ फंक्शन विच इज डिफाइंड द टी स्पेस आप एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म करके और वो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है फुरिया ट्रांसफॉर्म अब हम ये फुरिया ट्रांसफॉर्म है फुरिय ट्रांसफॉर्म करके आप आ गए ओमेगा स्पेस में आपने उस फंक्शन का फुरिया ट्रांसफॉर्म ऑप्टेन कर लिया और सेकेंड स्टेप में इस इस एक्सप्रेशन में वो जो टी स्पेस से आप ओमेगा स्पेस पर पहुंचे थे अब ओमेगा स्पेस से फिर आप टी स्पेस में आ रहे हैं और एक्जैक्टली exactly, देखिए यहाँ आपको कोई नया फंक्शन नहीं मिला जिस फंक्शन से आपने स्टार्ट किया था वही रिकवर हुआ है तो यही तो आप चाहते हैं किसी प्रोसेस में ट्रांसफॉर्म टाइप की प्रोसेस में ट्रांसफॉर्म और उसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म तो ये ट्रांसफॉर्म का नाम अगर आपने फ्रिए इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म रखा तो इसका नाम इन्वर्स फुरिये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म अब इंटीग्रल शब्द हम नहीं यूज़ करते हैं फुरिय ट्रांसफॉर्म इन्वर्स फुरिय ट्रांसफॉर्म तो ये ओके तो सी मैं डायरेक्टली भी ये डेफिनेशन आपको दे सकता था सिंपली कोई फंक्शन लिया उसे इर्द्वार प्लस आइटा ओमेगा टी से अब मैं टी के टर्म में बात कर रहा हूँ एफ टी कोई फंक्शन लिया इर्द्वार प्लस आईटा ओमेगा टी से मल्टीप्लाई किया डी टी के रेस्पेक्ट में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर दिया साथ में कुछ कॉन्स्टेंट भी ले लेंगे तो उसे हम फूरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन कर सकते हैं और जो ओमेगा फंक्शन मिला ये ओमेगा का फंक्शन जो मिला उसे इर्दवार माइनस आई टाइम टी से मल्टीप्लाई किया और ओमेगा के रेस्पेक्ट में माइनस इन्फिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर दिया और साथ में कुछ कांस्टेंट लेना पड़ेगा तो वो हो जाएगा इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म मैं डायरेक्ट भी ये डेफिनेशन दे सकता था ओके लेकिन दिस वे हैज़ सर्टेन एडवांटेजेस ओके यहाँ पे एक पॉइंट्स आप सुन लीजिए ये आपकी यूनिट जो है चैप्टर अगर आप सिलेबस वाइज देखेंगे हाँ लाप्लास और फूरियर ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने पढ़ा उसके हमने कुछ एप्लीकेशंस भी देखे इस्पेसिफिकली हमने उसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्विंग में ज़्यादा यूज़ किया ओके अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स बट द पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर इज फ्रिय ट्रांसफॉर्म का यूज़ तो एक अलग एस्पेक्ट है आप उसको कहाँ यूज़ करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्विंग में या कहाँ बट रिमेंबर दिस फ्रिये ट्रांसफॉम जो है एक इतना फंडामेंटल नोशन है आपके फिजिक्स में मतलब फंडामेंटल मैं इस सेंस में कह रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली कई चीज़ें जो आप फिज़िक्स में पीछे पढ़ भी चुके होंगे सम्भवतः या आगे आने वाले फ्यूचर में आप पढ़ेंगे वहाँ ऑटोमेटिकली फूरियर ट्रांसफॉर्म प्रेजेंट रहता है मैं इस आने वाले एक आध लेक्चर्स में इसका डेफिनेट एग्जाम्पल पे आएगा ओके फूरियर ट्रांसफॉर्म कहाँ इंकाउंटर ऑटोमेटिकली हो जाता है फिजिक्स में तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोशन है तो इसको ढंग से अगर आप सीख लें तो दैट वुड बी इमेंसली हेल्पफुल टू यू ओके तो इसी नोशन से मैंने डायरेक्टली आपको फ्रिए ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन नहीं दी वैसे भी हमें फुरिया इंटीग्रल कवर करना ही था तो फुरिया इंटीग्रल से फुरियर ट्रांसफॉर्म देखना बड़ा इजी है ओके okay? जब इस फॉर्म में हम इसे देखते हैं और मैं अगेन रिमाइंड कराऊंगा थिंक ऑफ टी हेयर टी तो टी टी स्पेस से स्टार्ट किया ओमेगा स्पेस में गए फर्स्ट इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म फुरियर ट्रांसफॉर्म और फिर जो फंक्शन ऑप्टेन हुआ ओमेगा स्पेस का उसको एक दूसरे कर्नल से मल्टीप्लाई करके और इस और इस कर्नल में डिफरेंस क्या है ओके okay? केवल एक साइन का डिफरेंस है एक्स की जगह आप टी सोच रहे हैं प्लस आइटा ओमेगा टी और यह है माइनस आइटा ओमेगाटी और अगर आप इसे माइनस लेते हैं तो इसे प्लस लेना पड़ेगा तो कर्नल भी काफ़ी हद तक सिमेट्रिक है आप उस सेंस में सोचिए यहां तो इनवर्स का मोशन बड़े अच्छे से फिट हो रहा है इनवर्स एक ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल अगर प्लस साइन वाला है इर्द बार आइटा ओमेगा टी तो दूसरे इनवर्स वाले ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल बार माइनस आइटा ओमेगा टी ओके तो बहुत फूरियर ट्रांसफॉर्म उस सेंस में काफ़ी हद तक सिमेट्रिक होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन और इनवर्स डायरेक्शन में ओके okay? दस yes. तो तो ये जो चीज़ मैंने यहाँ ब्लू पेन से अंडरलाइन की है जब आप इस सब चीज़ को इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको जो चीज़ ऑप्टेन होगी दैट वुड बी सम फंक्शन ऑफ ओमेगा और फिर ये जो यहाँ फंक्शन मिला आपको ओमेगा का और यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन आप करेंगे जिसे मैंने ग्रीन पेन से कर रखा है अब की बार ओमेगा के ऊपर आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको अगेन यू गेट बैक द फंक्शन विच इज़ अ फंक्शन ऑफ टी ओके तो उसी चीज को जो मैं आपको समझा रहा था अब यहां इस स्टेप में मैंने इनफैक्ट वो चीज़ कर दी है ये एक्स को मैंने टी से रिप्लेस कर दिया है ओके okay? इंटीग्रेशन का वेरिएबल डमी होता है लेकिन इस टी के रिप्लेस करने के बाद देखिए आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है ये एक्सप्रेशन आप इस तरह से लिखेंगे तो ये स्टिल होल्ड करेगा लेकिन अब आप इस टी के फंक्शन को इसके अंदर नहीं ला सकते आपने इस वेरिएबल को टी में चेंज कर दिया है तो ये थिंक ऑफ ये ये टी अलग है ये टी अलग है ये इंटीग्रल पहले करना है फिर जो मिलेगा यहाँ रखना है जब तक ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में था ये टी और ये एक्स इस टी को आप इसके अंदर ला सकते थे क्योंकि इंटीग्रेशन का वेरिएबल एक्स था टी उसके लिए कॉन्स्टेंट की तरह था लेकिन अब तो ये वाला टी आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे आपको इस तरह से इस तरह से सोचना चाहिए ये दोनों टी एक्चुअली अलग अलग हैं आपको एक को टी वन और एक को टी टू टाइप का लिखना चाहिए वैसे लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है ओके okay? तो ये दिस तो जो मैं आपको बात कह रहा हूँ फिगर में समझिए टी स्पेस से गए हम ओमेगा स्पेस में एफ टी से स्टार्ट किया कर्नल से मल्टीप्लाई किया यहाँ से आपको चॉइस मिलनी शुरू हो गई देखिए और इनफैक्ट हम बाद में खैर के फ़ूरियर ट्रांसफॉर्म में प्लस वाला साइन लेंगे और इन्वर्स फ़ूरियर ट्रांसफॉर्म में माइनस बट ये इसीलिए हम इसे कहते हैं ये मैटर ऑफ चॉइस है कुछ लोग माइनस साइन वाले को फ़ूरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं और प्लस साइन वाले को इन्वर्स फूरियर तो वो आपकी चॉइस है ओके तो दिस लेकिन ये इस कर्नल से मल्टीप्लाई किया माइनस इन से मल्टीप्लाई किया हाँ यहाँ पे मैंने वन अपॉइंट टू पाई के फैक्टर को इस तरह से भी स्प्लिट कर दिया है इसमें से एक वन अपॉइंट रूट टू पाई का फैक्टर हम इनवर्स फ्रिय ट्रांसफॉर्म में डाल देंगे और एक वन अपॉइंट रूट टू पाई का यहाँ उससे क्या होता है दोनों ट्रांसफॉर्मेशन फिर से बहुत इस कॉन्स्टेंट के टर्म में भी सिमेट्रिकल हो जाते हैं वैसे जरूरी नहीं था हम ऐसे भी कर सकते थे वन अपॉइंट टू पाई का जो टोटल फैक्टर है वो इस इंटीग्रल के साथ शामिल कर देते मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम कहते हैं फोरिय ट्रांसफॉर्म में वन अपॉइंट टू पाई का फैक्टर होता है और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में तो अब केवल वन का फैक्टर होता है पूरा यहाँ हम ऐसा कर सकते थे या यहाँ वन का फैक्टर देते और यहाँ वन अपॉन्ट टू पाई का फैक्टर देते लेकिन मतलब ज़्यादा अच्छी चॉइस जो है अच्छी तो नहीं बोलना चाहिए बट मतलब याद रखने के लिहाज से एटलीस्ट अच्छी चॉइस ये है अगर हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर दें वन अपॉन्न रूट टू पाई फोरियर ट्रांसफॉम की डेफिनेशन में ले आएँ और वन अपॉन्ट टू पाई का फैक्टर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की तो डेफिनीशन्स <coughs> और भी ज़्यादा सिमेट्रिक हो जाती हैं तो ये तो आप टी स्पेस से गए ओमेगा स्पेस में यूजिंग दिस ओके okay. और अब आप ऐसा ना सोचें कि हमें एक साथ ये स्टेप करना है इसको अब एक अलग ऑपरेशन की तरह सोचिए हाँ टी स्पेस से ओमेगा स्पेस में गए फूरियर ट्रांसफॉर्म कर दिया जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया था तो ये हो गई फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन ये और अगर आप इस स्पेस में हैं और यहाँ से वापस आना है तो ये वाला ऑपरेशन करो वो जो फंक्शन है वो यहाँ रखेंगे यहाँ वो फंक्शन आएगा इस कर्नल से मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट साइड वाले कर्नल से और वन अपॉन रूट टू पाई का एक फैक्टर ले लेंगे और हो गया दिस ओमेगा स्पेस से वापस वी कैन कम बैक टू द टी स्पेस सिंबलिक फॉर्म में ये चीज मैंने यही की है एफ टी से स्टार्ट किया टी स्पेस में उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन किया ये ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है कोई दूसरी तरीके का नहीं है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म और बाद में उस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का इन्वर्स कर दिया रिमेंबर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ने हम एल और एल इन्वर्स ऑपरेशन लिखते थे तो कोई फंक्शन एफ से आप स्टार्ट करें एल लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया और उसका इन्वर्स ले लें इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको फिर से वही फंक्शन मिल जाता है लेकिन देखिए यहाँ पे आपको इसको और में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं फिर से वो करूँगा लपलास ट्रांसफॉर्म में लपलास ट्रांसफॉर्म तो एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म नहीं था हमारे लिए तो नहीं था उसको तो हमने ऐसे करके ऑपरेट किया या जहां पे भी इसकी जरूरत पड़ी हमने टेबल्स याद कर रखी थी अरे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है तो इसका इनवर्स ये होगा कुछ रूल्स हमने याद कर लिए थे बट फुरिय ट्रांसफॉर्म में आप देखिए फुरिय ट्रांसफॉर्म और उसका इनवर्स दोनों का दोनों इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स है ओके okay? ये वीडियो यहां पे ब्लैकआउट हो गया है फॉर सम रीजंस मैं इसे यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ और फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर इसी के साथ इमीडिएटली कंटिन्यू कर रहा हूँ